अजमेर दरगाह शरीफ क्षेत्र में फंसे 4,500 जायरीन की शुरू हुई घर वापसी। अजमेर में लॉकडाउन से पहले से फंसे जायरीन अब अपने अपने घर लौटना शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की वजह से जो जायरीन खुद गाड़ियां करके जाना चाह रहे थे उन्हें इजाजत दी जा रही है। कल भी कुछ जायरीन को रवाना किया गया था और आज भी जायरीन अपने घर को लौट रहे हैं। जायरीन घरों पर लौटने से पहले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर खड़े होकर दुआ करते नजर आए। जायरीन ने अपने घर लौटने की खुशी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। दरगाह कमेटी के अधिकारी और दरगाह थाने के थाना अधिकारी हेमराज की निगरानी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जायरीन की स्क्रीनिंग कर जांच की और जायरीन के रवाना होने से पहले गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। आज 23 गाड़ियों को परमिशन मिली है, जिसमें 120 से 125 जायरीन रवाना किए गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट के लिए ही मिली है जायरीन को लौटने की परमिशन। बताइए बहन, कहाँ से आए थे और कितने दिन से आप यहाँ फंसे? हम पूना से आए थे और 19 मार्च को आए थे और एक महीने के ऊपर हो गए हम यहाँ पर आए थे, अभी जा रहे हैं। और पुलिस के और आपके लोगों की शुक्रिया बहुत बहुत, ये का हमारे लिए मेहनत करने के लिए, दरगाह कमेटी का भी सबके लिए शुक्रिया, हमको आज सही सलामत पहुँचा रहे हमारे घर पे। कितने मेंबर होंगे? हम 5 मेंबर है। यहाँ पे रह के कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, अजमेर वालों ने आपका सहयोग किया? नहीं, सहयोग किया उन्होंने, सब बराबर किया, लंगर वगैरह सब आता था, खाना वगैरह कमेटी ने सब अच्छे तरीके से ध्यान दिया हमारा। आपको कैसा लग रहा है कि आप अपने घर वापसी लौट रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा, खुशी महसूस हो रही। आप लोगों का भी शुक्रिया और कमेटी वालों का भी शुक्रिया, हमको अच्छे से पहुँचा रहे। क्या कहना चाहेंगे? रमजान के महीने में सब अपने घर के साथ, घर वालों के साथ रोजे रखेंगे, ये बड़ी खुशी हमारे लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? शिरीन शेख। कहाँ के हैं? पूना के हम।